practical based on what non-integrated system of accounting. So, practical. Following are the balances in a cost ledger of a manufacturing company on 1st April 2015. ठीक है, आज पहले इस क्वेश्चन को अच्छे से समझो, एंट्रीज सारी समझो, बराबर है, सबसे मेन वही है. उसके बाद तो क्या, खाली लेजर पोस्टिंग करना है आपको, एंट्री डाल देना डायरेक्टली. आ जाओ, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ऑन 1st April 2015, फिनिश स्टॉक लेजर अकाउंट कौन सा बैलेंस है, डेबिट, तो डेबिट साइड में 2 बैलेंस ब्रॉट डाउन. फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट कौन सा बैलेंस है, डेबिट, तो 2 बैलेंस ब्रॉट डाउन. वर्क इन प्रोग्रेस कंट्रोल अकाउंट कौन सा बैलेंस है, डेबिट, तो 2 बैलेंस ब्रॉट डाउन. स्टोर लेजर कंट्रोल इसका भी डेबिट बैलेंस है, तो 2 बैलेंस ब्रॉट डाउन. फिर सीएलसी कॉस्ट लेजर कंट्रोल, तो कॉस्ट लेजर कंट्रोल का कौन सा बैलेंस होता है बेटा, क्रेडिट, तो ये तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन हो जाएगा, क्रेडिट साइड में बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन. गॉट इट, क्लियर? चल, नाउ व्हाट इज गिवन, फॉलोइंग आर द ट्रांजैक्शंस फॉर द मंथ एंडिंग 30th April 2015. सो फॉलोइंग आर द ट्रांजैक्शंस गिवन है आपके पास फॉर द मंथ एंडिंग क्या बेटा, 30th April 2015. चलो, सबसे पहला है क्या, रॉ मटेरियल परचेस. क्या बेटा, सबसे फर्स्ट दिया है आपको क्या, रॉ मटेरियल परचेस. ठीक है बेटा, रॉ मटेरियल खरीदा, रॉ मटेरियल परचेस किया, तो एंट्री क्या होती है पता है, स्टोर में आ गया, स्टोर्स डेबिट हो जाएगा, बराबर है, स्टोर आपका खर्चा है, रॉ मटेरियल आपका खर्चा है बेटा, तो स्टोर में आ गया, स्टोर अकाउंट डेबिट, मतलब स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू, अरे भाई खरीदेगा तो पैसा जाएगा, बट पैसा तो अपना जो कैश है वो रियल अकाउंट है, रियल अकाउंट तो रिकॉर्ड होता ही नहीं है. क्रेडिट में भी खरीदेगा तो सामने वाला क्रेडिटर बनेगा, तो क्रेडिटर तो पर्सनल अकाउंट है, वो भी नहीं रिकॉर्ड होता, तो क्या रिकॉर्ड करेगा आप. पर्सनल और रियल अकाउंट को रिप्लेस करने वाला अकाउंट कौन सा, इधर सीएलसी अकाउंट, एज यू ऑल नो. ठीक है, तो क्या एंट्री हो जाएगी, रॉ मटेरियल परचेस किया तो स्टोर अकाउंट डेबिट, स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू व्हाट, सीएलसी अकाउंट, बराबर, टू व्हाट बेटा, सीएलसी अकाउंट. ठीक है, स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू व्हाट, सीएलसी अकाउंट. Got it, clear है, मालूम पड़ गया. चलो, फिर वैसा ही आप जब सम सॉल्व करोगे तो स्टोर के डेबिट में 2 सीएलसी और 2 का बाय कर देना है बस. सेकेंड वन, मटेरियल इश्यू टू प्रोडक्शन, क्या दिया बेटा, मटेरियल इश्यू टू व्हाट बेटा, प्रोडक्शन. अब मटेरियल इश्यू किया आपने टू व्हाट, प्रोडक्शन. बेटा मटेरियल इश्यू टू प्रोडक्शन क्या होता है, एज यू ऑल नो, मटेरियल इश्यूड टू प्रोडक्शन है, तो मतलब क्या हुआ, मटेरियल जाएगा तो स्टोर से निकल गया, स्टोर को क्रेडिट कर दो, बराबर है, स्टोर को क्रेडिट कर दो. और भाई प्रोडक्शन मतलब क्या, WIP, WIP में आएगा, WIP अकाउंट डेबिट हो जाएगा, WIP डेबिट टू स्टोर में से गया, तो WIP टू स्टोर, सिंपल. गॉट इट, क्लियर, याद रखना. ठीक है, तो मटेरियल इश्यू टू प्रोडक्शन मतलब WIP टू स्टोर लेजर कंट्रोल. ओके, चलो नेक्स्ट वन, फिर क्या दिया आपने को, फैक्ट्री वेजेस. व्हाट इज गिवन, फैक्ट्री वेजेस. बेटा फैक्ट्री वेजेस मतलब अभी वेजेस पेड किया है, तो वेजेस पेड का एंट्री तो सबको पता है, कॉमन एंट्री क्या होता है, वेजेस कंट्रोल डेबिट टू कैश बैंक, बट कैश तो रिकॉर्ड होता नहीं है, कैश तो रियल अकाउंट है, तो उसको रिप्लेस कौन करेगा, सीएलसी, तो सीएलसी मतलब कॉस्ट लेजर कंट्रोल. ठीक है, तो वेजेस कंट्रोल टू सीएलसी, तो वेजेस पेड का एंट्री क्या हो गया, वेजेस कंट्रोल टू सीएलसी. अब वेजेस में भी क्या होता है बेटा, डायरेक्ट वेजेस और इनडायरेक्ट वेजेस. तो देखो, ये जो फैक्ट्री वेजेस है वो तो ठीक है, चलो कि प्रोडक्शन के टाइम का है तो हम एज्यूम करते हैं इसको डायरेक्ट. इनडायरेक्ट है क्या, इनडायरेक्ट जरा देख लो. यस, ये देखो इनडायरेक्ट लेबर दिख रहा है आपको, यू कैन सी हियर इनडायरेक्ट लेबर. तो देखो आपके पास इनडायरेक्ट लेबर भी है और फैक्ट्री वेजेस को एज्यूम करेंगे हम डायरेक्ट लेबर फिलहाल. ठीक है, कि भाई वो प्रोडक्शन प्रोसेस में यूज हो रहा है, तो ये दोनों जो लेबर है बेटा उनका कॉमन एंट्री आ जाएगा. कॉमन एंट्री क्या, वेजेस कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू सीएलसी. कितना अमाउंट, कितना है अमाउंट चेक करने का, 12840 और इनडायरेक्ट लेबर 2460. ये दोनों को एडअप कर लेने का, बराबर है,
ये दोनों को एडअप करके जो कॉमन एंट्री होगी दैट विल बी व्हाट वेजेस कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू व्हाट सीएलसी कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट। अब क्या करना है बेटा, ये एंट्री तो हो गई ठीक है वेजेस कंट्रोल टू सीएलसी, अब क्या करना पड़ता है जो डायरेक्ट वेजेस है उसको तो प्रोडक्शन में ट्रांसफर करना पड़ेगा, जो फैक्ट्री वेजेस दिया इधर जो प्रोडक्शन के लिए यूज होगा वो प्रोडक्शन में ट्रांसफर होगा तो उसकी एंट्री क्या होगी। चलो अब इसका ट्रांसफर एंट्री तो WIP डायरेक्ट वेजेस तो WIP में चला जाएगा, WIP डेबिट मतलब WIP कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू वेजेस कंट्रोल, ठीक है वेजेस कंट्रोल WIP डेबिट टू वेजेस कंट्रोल ठीक है। ये किसके लिए हो गया, यस दिस इज फॉर व्हाट डायरेक्ट वेजेस जो आपका फिलहाल इधर फैक्ट्री वेजेस करके दिया, प्रोडक्शन वाला WIP में चला जाएगा। अब बचा कौन सा इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट लेबर मतलब क्या, ये आप क्या एज्यूम करोगे फैक्ट्री ओवरहेड एज्यूम करोगे, इनडायरेक्ट लेबर मतलब फैक्ट्री ओवरहेड्स, तो ये आपका किधर ट्रांसफर हो जाएगा फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल, ठीक है फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू टू व्हाट वेजेस कंट्रोल, फैक्ट्री ओवरहेड अकाउंट बराबर फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू व्हाट वेजेस कंट्रोल अकाउंट, दैट्स इट ठीक है। तो वेजेस कंट्रोल में ये फंडा याद रखना ठीक है, वेजेस कंट्रोल में ये फंडा आपको याद रखना है, माइंड में एकदम फिक्स रखना है ठीक है बराबर है, मालूम पड़ा। तो याद रखो क्या क्या, पहला तो कॉमन एंट्री हो गया वेजेस कंट्रोल टू सीएलसी राइट है, वेजेस कंट्रोल टू सीएलसी, फिर उसके बाद डायरेक्ट वेजेस वाला जो प्रोडक्शन में यूज हो रहा है उसके लिए क्या हो गया एंट्री WIP, प्रोडक्शन वाला WIP में चला जाएगा WIP अकाउंट डेबिट टू वेजेस कंट्रोल क्रेडिट, फिर जो इनडायरेक्ट वाला है इनडायरेक्ट वो तो फैक्ट्री ओवरहेड हो गया, इनडायरेक्ट लेबर मतलब फैक्ट्री ओवरहेड, तो फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू वेजेस कंट्रोल खत्म बराबर क्लियर राइट। तो देखो इधर आपको वेजेस कंट्रोल तो बोला नहीं बनाने के लिए बट इधर मैंने एडअप किया तो आप वेजेस कंट्रोल भी बनाना, चलो 8th अकाउंट में आप वेजेस कंट्रोल भी बना लेना बराबर। तो वेजेस कंट्रोल तो स्टोर के बाद ही आएगा, स्टेप बाय स्टेप जाने का, भले इधर कोई भी सीक्वेंस दिया रहे आपको स्टेप बाय स्टेप बनाना है ठीक है, तो वो हम लोग देखेंगे। और अगर नहीं बोला है ना तो वेजेस कंट्रोल बनाने की जरूरत भी नहीं है ठीक है बराबर, इधर वेजेस कंट्रोल दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा है तो मत बनाओ कोई इशू नहीं ठीक है। चलो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो आ जाओ। तो ये हो गया आपका वेजेस कंट्रोल टू सीएलसी, फिर उसके बाद WIP जो प्रोडक्शन वाला जो डायरेक्ट वेजेस है फैक्ट्री में जो यूज कर रहे हैं जो माल बनाने के लिए, तो WIP टू वेजेस कंट्रोल हो गया। और जो इनडायरेक्ट लेबर है, इनडायरेक्ट लेबर है जो डायरेक्टली प्रोडक्शन से इन्वॉल्व नहीं है उनके लिए क्या हो जाएगा, वो फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट टू वेजेस कंट्रोल, दैट्स इट फिनिश। चलो नाउ आ जाओ, अब क्या बोल रहा है बेटा, फैक्ट्री ओवरहेड चार्ज टू प्रोडक्शन, क्या दिया आपने को फैक्ट्री ओवरहेड व्हाट चार्ज टू प्रोडक्शन। चलो अगर फैक्ट्री ओवरहेड है, फैक्ट्री ओवरहेड डेबिट किया ना, देखो इधर एक एंट्री इधर थी ना फैक्ट्री ओवरहेड इनकर्ड, अब फैक्ट्री ओवरहेड इनकर्ड किया तो एंट्री क्या होती है, फैक्ट्री ओवरहेड मतलब फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल खर्चा हो गया टू पैसा जाएगा तो क्या होगा, पैसा जाएगा तो भाई पैसा तो इधर आएगा नहीं तो क्या रिकॉर्ड करोगे, क्या रिकॉर्ड करोगे सीएलसी बराबर है, फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू व्हाट सीएलसी दैट्स इट ठीक है। तो फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल टू सीएलसी बराबर, फैक्ट्री ओवरहेड इनकर्ड का एंट्री क्या हो गया, फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू व्हाट बेटा सीएलसी दैट्स इट। चलो अब फैक्ट्री ओवरहेड चार्ज टू प्रोडक्शन, क्या फैक्ट्री ओवरहेड चार्ज टू प्रोडक्शन, चार्ज मतलब क्या वही रिकवरी, तो भाई अब ये फैक्ट्री ओवरहेड इधर डेबिट हुआ है ना, फैक्ट्री ओवरहेड डेबिट किया है तो चार्ज हो रहा है तो क्या हो जाएगा इधर क्रेडिट हो जाएगा। फैक्ट्री ओवरहेड किधर चार्ज होता है पता ही है सबको, फाइनली फैक्ट्री ओवरहेड चार्ज होके किधर जाएगा WIP में ही जाने वाला है ठीक है, तो डेबिट कर दो WIP को खत्म बराबर है। तो फैक्ट्री ओवरहेड चार्ज टू प्रोडक्शन मतलब क्या हो गया, एंट्री क्या हो गई, फैक्ट्री ओवरहेड जो डेबिट किया है वो क्रेडिट हो गया और प्रोडक्शन में चार्ज कर रहे हो ना, प्रोडक्शन मतलब WIP, प्रोडक्शन मीन्स व्हाट WIP, सिंपल फंडा है कि नहीं। चलो नाउ नेक्स्ट, फैक्ट्री ओवरहेड चार्ज टू प्रोडक्शन के बाद क्या दिया आपने को, कॉस्ट ऑफ सेल्स, क्या दिया बेटा कॉस्ट ऑफ सेल्स। अब बेटा कॉस्ट ऑफ सेल्स जो है
कॉस्ट ऑफ सेल्स दिया आपने, कॉस्ट ऑफ सेल्स मतलब नॉर्मल सी बात है, कॉस्ट ऑफ सेल्स निकालना है तो कॉस्ट ऑफ सेल्स को तो डेबिट ही करना पड़ेगा, कॉस्ट ऑफ सेल्स आएगा तो कॉस्ट ऑफ सेल्स तो सिंपल सा फंडा है कि कॉस्ट ऑफ सेल्स आपका डेबिट होने वाला है, खर्चा है कॉस्ट है। लेकिन ये कॉस्ट ऑफ सेल्स आता किधर से, वो फिनिश गुड्स बन गया होगा ना, फिनिश गुड्स से ट्रांसफर होके तो टू फिनिश गुड्स, भाई कॉस्ट ऑफ सेल्स कैसे आ रहेगा, फिनिश गुड्स का जो बैलेंसिंग फिगर है वो ट्रांसफर होगा, फिनिश गुड्स में जो भी बैलेंसिंग फिगर है वो ट्रांसफर होके कॉस्ट ऑफ सेल्स आता है, फिनिश गुड्स का जितना भी खर्चा है वो डायरेक्टली ट्रांसफर होगा कॉस्ट ऑफ सेल्स में, तो कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट डेबिट हो गया तो फिनिश गुड्स से गया, तो फिनिश गुड्स से गया, बराबर है। तो फिनिश गुड्स जो अकाउंट बनाते हो आप, ठीक है, उसमें डेबिट में जितने भी खर्चे हैं वो सब ट्रांसफर करते हो किधर, फिर वो कॉस्ट ऑफ सेल्स हो जाता है, क्या हो जाता है, वो सब कॉस्ट ऑफ सेल्स हो जाता है, दैट्स इट। तो वही हो गया ना, कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट डेबिट टू फिनिश गुड्स। अभी देखो ना लेजर में कॉस्ट ऑफ सेल्स किधर है, क्रेडिट है, तो लेजर में क्रेडिट तो जर्नल में क्या होता है, डेबिट। और क्रेडिट में क्या लिखोगे, कौन से अकाउंट से लिया है, क्रेडिट में क्या लिखोगे, कौन से अकाउंट से लिया है, फिनिश गुड्स, दैट्स इट, फिनिश गुड्स कंट्रोल, दैट्स द फंडा, समझा, क्लियर। चलो तो कॉस्ट ऑफ सेल्स भी डन, उसके बाद क्या बोलता है, सेल्स रिटर्न एट कॉस्ट, व्हाट इज गिवन, सेल्स रिटर्न एट व्हाट बेटा, कॉस्ट। अब बच्चा सेल्स रिटर्न है, सेल्स रिटर्न क्या है, सेल्स रिटर्न एट कॉस्ट बोला है, अब इसका क्या होगा, क्या होगा भाई, सेल्स रिटर्न है, सेल्स रिटर्न हुआ तो क्या होगा बेटा, सेल्स रिटर्न हुआ मतलब आपने देखो बेचा रहेगा, सेल्स रिटर्न मतलब क्या, सेल्स किया, सेल्स कौन सा करते हो, फिनिश गुड्स ही बेचोगे ना, रॉ मटेरियल थोड़ी बेचना है आपको, रॉ मटेरियल तो बनाते हो, प्रोसेस करके फिर फिनिश गुड्स बनाओगे, फिनिश गुड्स को सेल्स करोगे, तो आपने सेल किया होगा वो रिटर्न आ गया, तो क्या रिटर्न आ रहा है, फिनिश गुड्स आया ना आपके पास, तो आपके पास क्या आ रहा है बेटा, फिनिश गुड्स आ गया, तो फिनिश गुड्स डेबिट हो जाएगा, वापस आ गया फिनिश गुड्स, ठीक है, तो फिनिश गुड्स को डेबिट करो, और क्रेडिट में क्या करो, कौन रिटर्न कर रहा है, आपने रिटर्न कौन कर रहा है भाई, जो फिनिश गुड्स गया था अब वो वापस आ गया, तो फिनिश गुड्स तो डेबिट हो गया, बराबर, कॉमन लॉजिक। अब रिटर्न कौन कर रहा है, सामने वाला डेटर रिटर्न कर रहा है ना, अब देखो डेटर तो टू डेटर, लेकिन टू डेटर तो लिख नहीं सकते आप इधर, क्योंकि डेटर तो आपका कौन सा अकाउंट हो गया, पर्सनल अकाउंट, तो डेटर नहीं लिखोगे तो क्या लिखोगे बेटा, सी एल सी, क्या लिखोगे आप, सी एल सी, क्योंकि पर्सनल और रियल को रिप्लेस करने वाला तो सी एल सी है ना रे राजा, पर्सनल और रियल को रिप्लेस कौन करता है, सी एल सी करता रे, ठीक है, तो सी एल सी लिख दिया, दैट्स इट। तो याद रखना, याद रखना, ये सेल्स रिटर्न है, तो फिनिश गुड्स सेल करते वो रिटर्न आया, तो फिनिश गुड्स डेबिट टू सी एल सी, रॉ मटेरियल रिटर्न नहीं है, या ऐसा कुछ वो रॉ मटेरियल आपने रिटर्न नहीं किया ऐसा नहीं, तो सेल्स रिटर्न में फिनिश गुड्स आएगा, याद रखो, समझा, आना पड़ा, नहीं तो कुछ बच्चे क्या करते हैं इधर फिनिश गुड्स या स्टोर लिख देते, नहीं आप सेल्स रिटर्न कर रहे हो तो आपने फिनिश गुड्स सेल किया होगा, फिनिश गुड्स, तो वो फिनिश गुड्स रिटर्न आया रे बाबू, बराबर है, तो फिनिश गुड्स रिटर्न आया बच्चा, तो फिनिश गुड्स टू सीएलसी, सिंपल सा फंडा है, सिंपल सा लॉजिक, ठीक है, और रिटर्न करने वाला डेटर है, बट डेटर तो भाई पर्सनल अकाउंट है, तो उसके जगह पे क्या लिखोगे आप, सीएलसी, दैट्स इट, पर्सनल को रिप्लेस करने वाला कौन है भाई, सीएलसी, फिनिश, ठीक है। चलो आफ्टर दैट सेल्स रिटर्न भी हो गया अपना, सेल्स रिटर्न एट कॉस्ट डन, आ जाओ नेक्स्ट अपना फिनिश प्रोडक्ट एट कॉस्ट। अब फिनिश प्रोडक्ट है, फिनिश प्रोडक्ट एट कॉस्ट, बेटा फिनिश गुड्स आ गया, फिनिश गुड्स आता किधर से, WIP से आता है ना, तो फिनिश गुड्स आया तो कॉमन सी बात है, फिनिश गुड्स तो डेबिट हो गया, फिनिश गुड्स निकल गया है, अब फिनिश गुड्स निकलता किधर से, WIP प्रोसेस से ही निकलता है ना, तो WIP से गया होगा और फिनिश स्टॉक आया रहेगा, फिनिश गुड्स, बराबर है, फिनिश गुड्स अपना आ गया, फिनिश गुड्स, ठीक है, WIP से वो निकल गया, ट्रांसफर हो गया, WIP से ट्रांसफर हो गया, फिनिश गुड्स आ गया, दैट्स इट, फिनिश प्रोडक्ट। अभी बोल रहा है फिनिश प्रोडक्ट एट कॉस्ट, मतलब फिनिश प्रोडक्ट कहां से निकलता है, कहां से निकलेगा, प्रोसेस होगा तो ही निकलेगा ना, तो प्रोसेस वर्क इन प्रोसेस से ट्रांसफर हो जाएगा, तो वर्क इन प्रोसेस से ट्रांसफर हुआ मतलब वर्क इन प्रोसेस को क्रेडिट किया, डेबिट क्या करेगा रे बाबा, डेबिट फिनिश गुड्स ही आया ना राजा, फिनिश गुड्स, तो फिनिश गुड्स अकाउंट डेबिट, सिंपल, क्लियर। चल उसके बाद ये भी डन, अभी सेल्स है, सेल्स, अब तो सेल का एंट्री तो भाई आपको पूरा अच्छे तरीके से याद हो गया रहेगा, सेल किया मतलब क्या,
सेल किया मतलब पैसा आएगा, तो पैसा आएगा तो कैश लिखेगा आप, कैश डेबिट लिखेगा। कैश तो रियल अकाउंट है ना बेटा, वो तो रिकॉर्ड ही नहीं होता, तो क्या लिखोगे कैश की जगह पे सीएलसी। कुछ लोग बोल रहे सर कैश नहीं डेटर आया, तो भाई डेटर क्रेडिट सेल किया, डेटर भी तो पर्सनल अकाउंट है, और आपको पता है कि इधर पर्सनल अकाउंट और रियल अकाउंट बेटा आप सबको पता है कि इधर पर्सनल और रियल अकाउंट तो रिकॉर्ड करना नहीं है, तो पर्सनल और रियल को रिप्लेस कौन करेगा बच्चा? यस, पर्सनल और रियल को रिप्लेस करने वाला सीएलसी। देखा सेल्स भी हो गया अपना, तो सेल्स में क्या हो गया बेटा सीएलसी अकाउंट डेबिट, बराबर है टू। अच्छा सेल्स है तो इनकम, इनकम है तो कॉस्टिंग पीएनएल में क्रेडिट हो जाएगा, तो कॉस्टिंग पीएनएल को क्रेडिट कर देना, बराबर है। तो सीएलसी अकाउंट डेबिट क्यों हो गया पता चला ना, कैश सेल्स करेगा तो कैश आएगा, क्रेडिट में सेल करोगे तो डेटर आएगा। अब कैश रियल अकाउंट, डेटर पर्सनल अकाउंट, पर्सनल और रियल तो रिकॉर्ड ही नहीं होता। अरे हाँ वही बैंक, कैश बैंक, बैंक भी तो पर्सनल ही है ना, बैंक कौन सा अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट, बराबर है। कैश रियल, डेटर भी पर्सनल, बराबर। बैंक अपना एक इंस्टीट्यूशन है, बैंकिंग इंस्टीट्यूशन, ठीक है, तो बैंक में पैसा आएगा तो वो भी पर्सनल है, तो पर्सनल और रियल तो रिकॉर्ड होता नहीं है, तो क्या रिकॉर्ड करेगा, सीएलसी, खत्म। तो सीएलसी अकाउंट विल बी डेबिटेड टू कॉस्टिंग पीएनएल अकाउंट, फिनिश, गेम ओवर। क्लियर है, याद रहेगा माइंड में, दिमाग में रहेगा, याद रखना। तो ये हो गया अपना सेल्स का भी डन, तो यहां हो गया अपनी सारी एंट्रीज डन, समझ के हमने देख लिया। अब खाली क्या करना है, लेजर बनाओ फटाफट, पोस्टिंग करो, खत्म, सम खत्म करो, ठीक है। अब प्रिपेयर क्या कर, प्रिपेयर क्या करना अपने को, फॉलोइंग कॉस्ट कंट्रोल अकाउंट्स, तो कॉस्ट लेजर तो बनाना ही है, वो तो कॉमन सी बात है, पहला, सबसे पहला। फिर अब इधर जितने अकाउंट है, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश गुड्स, एसएलसी, कॉस्ट ऑफ सेल्स, वर्क ओवरहेड्स, कॉस्टिंग पीएनएल, ठीक है। तो बेटा अब अपने को क्या, ऑर्डर में जाने का, ऑर्डर में। और मैंने क्या बोला इधर, और एक एक्स्ट्रा अकाउंट आप लोग बनाओगे इधर, मेरी तरफ से गिफ्ट है वो आपको, आप सभी लोगों को, वेजेस कंट्रोल, ठीक है, वेजेस कंट्रोल भी बनाओ, बराबर है। तो जब भी फॉर्मेट बनाओगे आप फॉर्मेट, तो फॉर्मेट में सबसे पहला तो कॉमन स्पेशल अकाउंट आ जाएगा सीएलसी, वो तो छोड़ दो, वो तो नॉर्मल है। अब स्टोर से आप स्टार्ट करोगे तो पहला तो स्टोर हो जाएगा। अब इसमें पूरा स्टेप बाय स्टेप जाने का, ये ऑर्डर देखने का नहीं, स्टेप बाय स्टेप। स्टोर के बाद क्या आता अपना, वेजेस कंट्रोल। देखो वेजेस कंट्रोल है क्या, यस बोला है बनाने, तो वेजेस कंट्रोल बना लेंगे हम लोग, ठीक है। देखो स्मार्ट बनो, स्मार्ट वेजेस कंट्रोल बना लोगे। फिर थर्ड क्या बनाओगे, वेजेस कंट्रोल के बाद क्या बनाओगे आप, वेजेस कंट्रोल के बाद क्या आता है, फैक्ट्री ओवरहेड। फैक्ट्री ओवरहेड है क्या, हाँ ये देखो है ना, वर्क ओवरहेड को फैक्ट्री ओवरहेड ही बोलते हैं ना बेटा हम लोग, तो वर्क ओवरहेड कंट्रोल। उसके बाद अपना क्या था, वर्क ओवरहेड के बाद डब्ल्यू आई पी, इन सबका पप्पा है वो डब्ल्यू आई पी कंट्रोल, ठीक है, सब इधर ही ट्रांसफर हो जाता है। डब्ल्यू आई पी कंट्रोल, डब्ल्यू आई पी कंट्रोल तो होगा ही, नॉर्मल सी बात है, ये देखो तो फिक्स अकाउंट है। चलो डब्ल्यू आई पी के बाद क्या आता है बेटा, ऑफिस एंड एडमिन ओवरहेड। ऑफिस एंड एडमिन दिख रहा है क्या किधर, देखो 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 देखो, ऑफिस एंड एडमिन कहीं दिख रहा है क्या, नहीं, क्योंकि क्वेश्चन में ही नहीं है ना ऑफिस एंड एडमिन, तो ऑफिस एंड एडमिन का पत्ता तो कट हो गया, वो तो बनाना नहीं है। उसके बाद देखो ऑफिस एंड एडमिन के बाद क्या है, ऑफिस एंड एडमिन के बाद क्या है, ऑफिस एंड एडमिन के बाद आएगा अपना फिनिश गुड्स कंट्रोल, यस और नो, एफजी कंट्रोल, फिनिश गुड्स लेजर कंट्रोल, ठीक है। फिर उसके बाद सिक्स नंबर पे देख रहे हो, स्टेप बाय स्टेप, स्टोर से पहला नंबर सीएलसी, वो अलग अकाउंट है, वो स्पेशली, वो स्पेशल स्टार्टिंग में बनाओगे। फिर स्टेप बाय स्टेप जाओगे तो स्टोर से जाओगे, स्टोर, वेजेस कंट्रोल, वर्क ओवरहेड, फिर उसके बाद डब्ल्यू आई पी, बराबर है। फिर फिनिश डब्ल्यू आई पी के बाद क्या आता है, ऑफिस एंड एडमिन ओवरहेड, बट वो तो है ही नहीं अपने पास, वो तो है ही नहीं, तो उसके बाद फिनिश गुड्स कंट्रोल हो गया। अब फिनिश गुड्स कंट्रोल के बाद क्या आएगा, बोलो बोलो, फिनिश गुड्स कंट्रोल के बाद सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड होता है, तो वो है क्या, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन दिख रहा है क्या किधर, ओ माय गॉश, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन भी नहीं है क्या, ये सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड कंट्रोल भी नहीं है, तो वो भी नहीं बनेगा, फिर छोड़ो वो भी नहीं बनेगा, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड कंट्रोल भी नहीं है, तो वो भी नहीं बनेगा, तो फिर डायरेक्ट क्या आ जाएगा अपना, कॉस्ट ऑफ सेल्स, कॉस्ट ऑफ सेल्स आ जाएगा, बराबर है। अब कॉस्ट ऑफ सेल्स के बाद क्या आ जाएगा अपना, फाइनली उसके बाद तो कॉमन, बराबर है, ये तो नॉर्मल अकाउंट है, कॉस्टिंग पीएनएल,
प्रॉफिट एंड लॉस रिकॉर्ड करने के लिए कॉस्टिंग पी एल। देखो तो ये अपना स्टेप बाय स्टेप आ गया, ये अकाउंट अपने फिक्स हो गए। और एक पहला अकाउंट जो स्पेशल अकाउंट है दैट इज व्हाट सीएलसी, ठीक है। तो ये सारे फॉर्मेट में इस प्रोसीजर में आपको जाना है, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट, बराबर है, थोड़ा बहुत आज हम लोग कर लेंगे यहाँ, उसके बाद बराबर है पूरा सम हम लोग कम फिनिश करेंगे कल टुमारो एट 7:15 AM, ठीक है। तो चलो अब सब लोग रेडी हो जाओ, फॉर्मेट बना लेते हैं, क्योंकि अभी ये फिनिश करूंगा नहीं मैं, स्टार्टिंग के कुछ एंट्री डाल देता हूं मैं, ठीक है। चलो उसके बाद इसको कंप्लीट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो ये मेन पर्पस क्या था अपना, क्वेश्चन समझना था, इधर सॉल्व करना अपना नेक्स्ट लेक्चर में ही था, बट अपने पास टाइम है अभी, वी हैव 13 मिनट्स, तो हम लोग 13 मिनट्स में जितना होगा उतना करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर 10 मिनट्स जो भी है। चलो सो लेट्स डू इट। कि हमने सेम जो फॉर्मेट है वो पूरा रेडी कर लिया, पहले तो स्पेशल अकाउंट आ गया सीएलसी, उसके बाद फर्स्ट स्टोर लेजर, स्टोर के बाद वेजेस कंट्रोल, वेजेस कंट्रोल के बाद क्या वर्क ओवरहेड कंट्रोल, वर्क ओवरहेड मतलब फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल, फिर WIP कंट्रोल आ गया, फिर WIP के बाद क्या था ऑफिस एंड एडमिन, बट वो ऑफिस एंड एडमिन तो है ही नहीं आपके पास, ठीक है। तो फिनिश स्टॉक आ गया, फिनिश स्टॉक के बाद क्या आता है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, बट वो भी ओवरहेड नहीं है आपके पास, तो आ गया कॉस्ट ऑफ सेल्स, फिर कॉस्ट ऑफ सेल्स के बाद क्या आता है बेटा कॉस्टिंग पी एल, ठीक है। तो ये सारे फॉर्मेट अपने रेडी कर दिए, चलो अब एंट्री देखते हैं, आ जाओ। फर्स्ट सबसे पहले एंट्री से पहले आपको बैलेंसेस आपको पुट करने पड़ेंगे, आ जाओ। तो बैलेंसेस दिख रहे हैं, डेबिट बैलेंस किसका किसका है, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन किसमें किसमें आएगा, फिनिश स्टॉक में, फैक्ट्री में, फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल का भी डेबिट बैलेंस है, वर्क इन प्रोग्रेस जिसका डेबिट, जिसका डेबिट बैलेंस है सबको डेबिट कर दो, आ जाओ लेट्स डू इट, कम ऑन एवरीवन। सो डेबिट बैलेंस, जो जो डेबिट बैलेंस है टू बैलेंस ब्रॉट डाउन दिखा दो। अब आपने जो फॉर्मेट रेडी किया है उसमें फटाफट फिनिश गुड्स में टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, फैक्ट्री ओवरहेड में टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, वर्क इन प्रोग्रेस में टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, स्टोर लेजर में टू बैलेंस ब्रॉट डाउन पुट कर दो, और कॉस्ट लेजर कंट्रोल क्रेडिट बैलेंस है तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ठीक है। तो ये फॉर्मेट वैसे भी बनाना ही है मेरे को कल के लेक्चर में, ठीक है। तो इसको कल ही पूरा सॉल्व करेंगे स्टेप बाय स्टेप, अभी थोड़ा करेंगे फिर उसके बाद वो बाकी रह जाएगा, फिर से करना तो मतलब नहीं है। तो मेन क्वेश्चन आपका समझना मेन है इधर, ठीक है। फॉर्मेट रेडी रखना सब लोग, जो बनाया मैंने वैसा ही फॉर्मेट सब रेडी रखना, चाहिए तो ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस, और पीछे भी सम किया है ना तो थोड़े बहुत एंट्री पास करते रहो ना, ठीक है बराबर। तो ओपनिंग बैलेंस में फिनिश स्टॉक, फैक्ट्री, WIP, स्टोर का टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कर देना, और इधर कॉस्ट लेजर का कौन सा बैलेंस रहेगा क्रेडिट बैलेंस, तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ठीक है। बाकी उसके बाद एंट्रीज जो रहेगा उस एंट्रीज के बेसिस पे हम लोग फटाफट पोस्टिंग करते जाएंगे। अभी रॉ मटेरियल परचेज है तो स्टोर लेजर में आ जाना, स्टोर लेजर में डेबिट साइड में लिख देने का, क्या स्टोर लेजर के डेबिट साइड में टू CLC लाइक दैट, ठीक है। तो वो सब हमने एंट्री देख ही लिया है, बस अपने को कल फटाफट उसको फॉर्मेट में पुट करना है, ठीक है ओके। तो कल ही अपन उसको क्या करेंगे बेटा, एकदम मस्त सॉल्व करके फिनिश करेंगे। तो अभी एंट्री मेन याद रखो, ये सब रिवाइज करके रखो क्या है, बराबर है। थोड़ा बहुत एंट्री खुद से ट्राई करना, चेक कर लेना, कल मैं सॉल्व कराऊंगा तो देखना कितना आपने सही किया कितना गलत किया, पीछे भी सम किया है ना तो उतना तो लॉजिक लगा सकते हो, ठीक है। तो इसको ट्राई करना, तो ये कल मैं सॉल्व करूंगा, बाकी लोग चेक कर लेना अपना, ओके ठीक है।